मैं आप लोगों के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स का जो वीडियो लाया हूँ ये दो पार्ट्स में है। पार्ट वन इज बेसिकली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें हल्के हल्के कॉन्सेप्ट्स पता हैं लेकिन दे आर नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द न्यूमेरिकल्स और यू कैन से अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन देयर एग्जाम्स। तो बच्चों बिल्कुल मत घबराना, आराम से सीट फैलाकर बैठ जाओ। हाँ, नोटबुक और पेन ये जरूर ले लो और चाहो तो कैलकुलेटर भी ले सकते हो। ये तीन सामान लेकर मेरे साथ इस पार्ट वन पे लग जाओ, जुट जाओ एकदम। ये तब मत देखो कि वीडियो की लेंथ कितनी है, 50 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, आंख बंद करके चुपचाप काम कर लो, ठीक है। किसी भी चैप्टर का डाउट हो, क्लास 11th का हो, 12th का हो, आप अगर JEE प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप डालो, पोस्ट करो, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि पार्ट वन पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे NCERT क्वेश्चंस की, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की, NCERT एग्जाम्पलर की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ABC से लिए हैं, प्रदीप से लिए हैं, MP सहानी से लिए हैं, बालाजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 394 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग्स, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू सर्च फॉर इट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स हल्के फुल्के भी पढ़े ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस बात का यकीन आप सबको भी हो जाएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा, वाओ सर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द न्यूमेरिकल्स विच शुड बी आस्क्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स मीन्स थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें आप लोग हेस लॉ और ये गिव्स यू एनर्जी ये सब पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर हल्का फुल्का भी कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल निराश ना होना, ठीक है, मैं आपको सब समझाता रहूंगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, यह है कि आपको डेल्टा यू यहाँ पे फाउंड करना है, हीट और वर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा बेटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिर्फ ये एक लाइन लिख दोगे ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो एग्जामिनर का मन खुश हो जाता है, कहता है वाह 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 वाह, बच्चे ने क्या प्रेजेंटेशन दी है, नंबर बिकता बेटा, नंबर एकदम फटाक तरीके से। और अगर मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो गई या तुमने आगे कुछ वैल्यूज गलत डाल दी या कुछ भी गलत हो गया, तुम्हारा ये वर्ड ये फॉर्मूला लिखा है, ये लाइन लिखी है, तो इसके भी तुम्हें आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक। तो डेल्टा यू आपको निकालना है विच इज द चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और हाँ, अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। मान लो जैसे ये सिस्टम है आपका, सिस्टम पे अगर आप हीट दे रहे हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम या ये कह लो हीट गिवन टू द सिस्टम, ये दोनों चीजें क्या है, गिवन टू द सिस्टम और ये क्या है बाद में, गिवन बाय द सिस्टम। तो Q और W का ये जो साइन कन्वेंशन है ये याद रखना, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये दोनों पॉजिटिव होते हैं जब आप देते हो सिस्टम को, और दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है, ठीक है। दो चीजें होती है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, ठीक है ना, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, तीन चीजें होती हैं। सिस्टम कौन कौन से होते हैं आपके पास, ओपन होता है, क्लोज होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। अभी क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन गिवन टू द सिस्टम, दोनों पॉजिटिव होते हैं। हीट गिवन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों नेगेटिव होते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल ऑफ हीट। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके हिसाब से प्लस माइनस अरेंज कर देंगे। चूंकि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 701 जूल ऑफ हीट, यानी कि इट इज हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि प्लस का 701 प्लस W,
Does work equivalent to 394? अब सिस्टम वर्क कर रहा है, द वर्क डन बाय द सिस्टम 394 है, यानी कि यहां पे ये आएगा -394। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 701 से 394 जरा घटाना, देखते हैं किसमें कितना है दम। ये कितना है, ये आया 7, ये आया 307 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 liter ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atmosphere एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 liter। तो कह रहा है एक आइडियल गैस है जिसका पहले कितना दिया है 2 liter, उस पे 10 atmosphere का प्रेशर लगाया जा रहा है, एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो देखो कीवर्ड्स, एक्सपेंड हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है, इनटू अ वैक्यूम हो रहा है, अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम, यानी कि ये फाइनल वॉल्यूम है V2 टाइप की 10 liter। 3 parts हैं, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन दी एबव एक्सपेंशन। अच्छा भाई देखो भाई, अगर हमें कह दिया गया है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जहां पे चेंज इन टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा टी 0 होता है। अगर बच्चों ऐसा है तो इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, जिसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर है ही नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिख दिया है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का मतलब बेटा डेल्टा यू 0 होगा। दूसरी बात याद रखिएगा, वैक्यूम है, वैक्यूम। तो वैक्यूम से हमें एक बात और समझ में आती है कि यहां पर जो पी एक्सटर्नल है वो भी 0 है। पी एक्सटर्नल वही प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। देखो ये पिस्टन होता है, सॉरी ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा है, ठीक है, और ये आपका गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरनल प्रेशर लगाते हैं, किधर लगाते हैं, पिस्टन को लगाते हैं, ताकि पिस्टन उठे। यानी कि अंदर वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट समथिंग। हमारा वर्क डन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी दूसरी चीज के जो हमें अपोज कर रहा है, जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। ऊपर वाला जो प्रेशर होगा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, तो वो क्या गिना जाएगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर गिना जाएगा। हमारा जब गैस का जो पार्टिकल्स है, जो गैस के मॉलिक्यूल है, जब इस पिस्टन के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि उस पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, जब उसके अगेंस्ट कोई काम करेंगे, तभी तो वो सक्सेसफुल वर्क डन कहलाया जाएगा। जब यहां एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होगा, तो वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल तो एक्सपेंड होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, वैक्यूम एकदम इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो फायदा क्या हुआ इसका, ये तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। इसलिए जब भी हम लोग आइसोथर्मल इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -P external delta V, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप वैक्यूम में लेकर जा रहे हो, इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, वो जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, पिस्टन एक्सपेंड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो इस केस में बच्चों, अगर पी एक्सटर्नल आपका 0 है, तो याद रखना वैक्यूम में जब भी होगा पी एक्सटर्नल हमेशा 0 होगा, और अगर पी एक्सटर्नल हमेशा 0 होगा, तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को आप याद भी रख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। तो व्हेनेवर इट इज वैक्यूम, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्क डन विल बी 0।
आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। हमें वर्क डन निकालना था, हमने निकाल लिया, क्या है जीरो है। हीट निकालनी है तो बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है, क्यू निकालना है, वर्क डन भी जीरो है, इसका मतलब हीट भी क्या है जीरो है। यानी कि हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हीट भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो भी जीरो है। क्लियर? ठीक है, दूसरे पार्ट में आते हैं। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इफ द सिस्टम एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फियर। देखो ये अब इन्होंने मुद्दे की बात करी है। If this system expands against a constant external pressure of one atmosphere, अब ये केस में वैक्यूम की बात हो रही थी, लेकिन इस केस में वैक्यूम की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर है वन एटमोसफियर का। यानी कि दूसरे पार्ट के लिए जब हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो यहां का आपका पी एक्सटर्नल आपको दिया गया है दैट इज माइनस वन एटीएम, मतलब माइनस तो बाहर लगा हुआ है 180 m। और डेल्टा वी का मतलब बोले तो V2 माइनस V1, 2 लीटर से चालू हुआ 10 लीटर तक एक्सपेंड हुआ है, तो ये 10 माइनस 2 ये क्या है V2 माइनस V1 की बात कर रहा है, यानी कि 10 लीटर माइनस 2 लीटर यानी कि 8 लीटर। तो वर्क डन आया 8 लीटर एटमॉस्फियर। क्या वर्क डन की जो यूनिट होती है वो लीटर एटमॉस्फियर होती है? नहीं होती, जूल होती है। तो 1 लीटर एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 101.3 जूल। इस कन्वर्जन फैक्टर को याद रखना। तो जो अब आपका आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, तो ये जो भी आएगा ये जूल में आएगा। और वर्क डन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि एक्सपेंशन होना बिल्कुल उचित बात है। चलो अब इसमें हमको हीट एब्जॉर्ब निकालनी थी, तो चूंकि सिस्टम हमारा आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू करते हैं। डेल्टा यू जीरो है तो क्यू, और डब्ल्यू क्या आया हमारा, डब्ल्यू आया हमारा माइनस 8 इंटू 101.3। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव का 8 इंटू 101.3 जूल। तो देखो हीट एब्जॉर्ब, तो जब भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना साइन कन्वेंशन, जब आप हीट सिस्टम को देते हो, यानी कि ये कह लो कि सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या आया, क्यू पॉजिटिव आया, लेकिन चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, पक्का ना एकदम? तो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो ताकि हम इसको बिगाड़ सकें, फटाफट करो। ये स्क्रीन नीचे कर देते हैं यार, छुप गया था शायद। ये देखो हुआ एकदम, मोबाइल से शूट कर रहे होते हैं पता नहीं होता कि क्या छुप रहा है क्या नहीं। ये नोट कर लो बेटा, अब हम हटा रहे हैं इसको। थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इफ द एक्सपेंशन इज कंडक्टेड रिवर्सिबली। यहां का जो ये कीवर्ड है वो ये है, अभी तक जो भी हो रहा था वो इरिवर्सिबल था। क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो तो इरिवर्सिबली मानकर चलना, रिवर्सिबली के लिए वो स्पेशल आपको बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिवर्सिबली कंडक्टेड हो रहा है, तो रिवर्सिबल के लिए जब आपके पास आइसोथर्मल हो साथ में रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1। उसके लिए फिर हम लोग W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V नहीं लेते। ठीक है, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1। अब ये वर्क डन किसका है, रिवर्सिबल का है।
क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, क्या आपको टेम्परेचर दिया है? ना हमको टेम्परेचर दिया है पूरे क्वेश्चन में, ये दिया 298 दिया, सॉरी हाँ। क्या नंबर ऑफ मोल्स कहीं दिए हैं? नंबर ऑफ मोल्स कहीं नहीं दिए। तो आपके ऊपर ये दुविधा हो जाएगी कि हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, और अगर आप ऐसा सोचने लग गए तो भैया लग गए आपके काम, लग गया आपका, है ना। तो एनआरटी का आप कुछ और चीज सोचो, क्या कर सकते हो। देखो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो अगर हम एनआरटी की जगह पीवी पुट करते तो क्या जाता है यार, कर दो। तो -2.303 एनआरटी वाली जगह आ जाएगा पीवी लॉग V2 बाय V1। लो जी, अब पीवी क्या है, इनिशियल वाला, यानी कि 2 × 10। प्रेशर कितना है 10, वॉल्यूम कितनी है 2। अब ये फिर से लीटर एटमॉस्फेयर आएगा ना, तो इसलिए हम यहीं पे 101.3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद लॉग V2 अपॉन V1, V2 मतलब 10 और अपॉन में V1 क्या है 2, यानी कि 10/2, यानी कि लॉग 5। यानी कि अब आप इस चीज को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर 100% आ जाएगा। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ये रहा आपका तीसरे पार्ट का आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी 2। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक ऑन दिस प्लीज। Enthalpy change delta H for the reaction N2+3H2 gives 2NH3 is -92.38 kilojoule at 298 Kelvin. What is the delta U? So, बच्चों जब भी आपको delta H दिया हो या delta U दिया हो और आपसे दूसरी चीज निकालने को कह दी गई हो, तो आप एक relationship याद रखिएगा कि delta H is equal to delta U प्लस डेल्टा NgRT। जहां पे डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज है, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा मतलब चेंज, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ये जो जी सब्सक्रिप्ट है ये गैसियस के लिए, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। R आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका टेम्परेचर होता है केल्विन में। तो यहां पे हमको सब चीजें दी गई हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कितना है, -92.38 किलो जूल। चूंकि ये किलो जूल है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो आएगा -92380 जूल। प्लस डेल्टा NG कितना है हमारा, देखो प्रोडक्ट्स में गैसियस मोल्स कितने हैं, टोटल 2 हैं, ये 2, और यहां रिएक्टेंट्स में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 1 इसका और 3 इसके हैं, तो टोटल कितने हुए 4, तो 2 − 4 यानी कि -2। R की जो कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में, लेकिन हम यहां जूल के टर्म्स में खेल रहे हैं तो वो होगी 8.314। कंफ्यूज मत हो जाना कि कब 0.0821 लेते हैं और कब 8.314 लेते हैं। जितने भी आप थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस लगाओगे उसमें हमेशा बट ऑब्वियस की बात है जूल किलो जूल का खेल खेलना ही है। तो जब भी आप आर लोगे उसमें हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये लेंगे वैल्यू, ऊपर वाली नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 8.314 इसको जूल में कन्वर्ट करने का मेन रीजन यही था कि जो हम आर लेने वाले हैं वो जो उसकी जो यूनिट है वो जूल में आती है। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, उसको किलो जूल में रख रहे हो, तो यहां पर ये जो चीज ले रहे हो इसको या तो फिर आप किलो जूल में कन्वर्ट करो मल्टीप्लाइड बाय 10^-3 ताकि वो किलो जूल में आ जाए। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये याद रखना, ये जूल तो ये भी जूल, अगर ये किलो जूल तो ये भी किलो जूल। नेक्स्ट आता है टी, तो टी कितना है, T कितना है 298 केल्विन। तो बस मैं यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेटर उठाकर या खुद से कर लेना, ये आपको डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है, जूल में आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा इफ द वॉटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वॉटर
वन मोल ऑफ वाटर है एट वन बार 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका डेल्टा एच। डेल्टा एच आपको 41 किलो जूल पर मोल दिया है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन, दो केसेस हैं इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, व्हेन वन मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट वन बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। वन मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड यानी कि पानी को, पानी यानी कि H2O लिक्विड हीट दी गई और उसको वेपर कर दिया गया, यानी कि H2O लिक्विड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। ये लाइन देखिए लिखी है, वन मोल ऑफ वाटर यानी कि वन मोल ऑफ वाटर H2O लिक्विड इज वेपराइज्ड यानी कि हीट किया तो H2O गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहीं से हमको डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी फिर से लगेगा। इसमें आपको डेल्टा एच कितना दिया है, 41 दिया है, डेल्टा यू ही आपको निकालना है। डेल्टा एन जी की बात करें तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स एक है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स ही नहीं है, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। आर फिर से 8.314 रखेंगे। अगर आप यहां पे इसको किलो जूल में ले रहे हो तो यहां पर इंटू 10^-3 कर देना। और टी कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कभी मत रखना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, फिर से वही बात है कि यहां पर आप जूल पर केल्विन पर मोल लेते हैं तो पर केल्विन की बात आ रही है ना, तो यहां पर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना अनिवार्य है, यानी कि 273 में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 373 से मल्टीप्लाई किया, ये जो आएगा ये आपका डेल्टा यू आएगा किलो जूल में। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी है। बी पार्ट है, वन मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वन मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O लिक्विड को फ्रीज कर दिया गया है, आइस बना दी गई है। यहां का डेल्टा एन जी कितना हुआ बच्चों, कोई गैस है, नहीं है, जीरो, ना यहां कोई गैस ना यहां कोई गैसियस, तो डेल्टा एन जी कितना है, जीरो है। अब अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यार अगर ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, यानी कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। बोले तो इस केस का लिए डेल्टा यू 41 किलो जूल पर मोल ही रहेगा, ये तो दिया ही हुआ था। ठीक है, दोनों पार्ट्स क्लियर होते हैं, एक में वाटर वेपराइज हो रहा है, एक में वाटर फ्रीज हो रहा है। वेपराइज हो रहा है तो उसका डेल्टा एन जी वन है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एन जी इसका जीरो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार एग्जामिनर बेटा आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि मोलर हीट इन सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे ये एकमात्र एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे हम लोग सीरीज तय करते हैं। वन मोल ऑफ वाटर है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस में है, उसे आपको कन्वर्ट करना है आइस में, वो भी -10 डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पे आपको इस तरह से सीरीज बनानी पड़ेगी कि H2O जो कि लिक्विड है 10 डिग्री सेल्सियस पे, पहले वो फ्रीज होएगा और कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में एट 0 डिग्री सेल्सियस। H2O लिक्विड को हम फर्दर फ्रीज करते रहेंगे और वो H2O सॉलिड यानी कि परफेक्ट आइस में बन जाएगा, जो कि फिर से होगी 0 डिग्री सेल्सियस में। H2OS यानी कि सॉलिड को यानी कि आइस को हम और भी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, सॉरी टेम्परेचर रिलीज करवाएंगे, फ्रीज करेंगे तो ये H2O सॉलिड बनेगा -10 डिग्री सेल्सियस में। तो देखो भैया, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पानी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड आइस स्टेट पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस जो कि आइस स्टेट है वो कन्वर्ट हो रही है -10 डिग्री सेल्सियस आइस पे। तो देखिए, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आए
जब टेम्परेचर का डिफरेंस आए, 10 से 0 हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस तरह में हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कि सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, एनसी डेल्टा टी या एमसी डेल्टा टी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये कैसे पता चलेगा? ये हमको उनकी यूनिट्स के थ्रू पता चलेगा। देखो, हमें सीपी, सीपी, डेल्टा एच, ये सब किस टर्म्स में दिए हैं? पर मोल, पर मोल, पर मोल। तो यहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मोलर हीट कैपेसिटी का करेंगे। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो यहां पर ग्राम, पर ग्राम, पर ग्राम होता। नंबर ऑफ मोल हमको दिया हुआ है वन मोल ऑफ वाटर। तो यहां पे हम बता रहे थे कि 10 से 0 टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। यहां पे 0 से 0 हो रहा है, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम आएगा। यहां पे 0 से -10 फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर से एनसी डेल्टा टी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी का काम आएगा। जब भी टेम्परेचर चेंज हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि एनसी डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा। और जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो, उस समय लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है, तो इन थर्ड प्रोसेस की सबकी एंथैल्पी निकाल लेंगे तो वो हमें टोटल दे देगा, यानी कि डेल्टा एच जो कि टोटल है वो किसके बराबर होगी? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। अब हम डेल्टा एच वन की बात करें, फॉर्मूला लिख लीजिए, एन सी पी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स वन है, सी पी, सी पी का मतलब हीट कैपेसिटी, कौन सी? पर मोल में दिए ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए हम यहां डेल्टा एच लिख पा रहे हैं। एक चीज हम और बता दें आपको, बेसिकली तो ये फॉर्मूला क्यू का होता है ना। जब आप लोग हीट कैपेसिटी पढ़ते हो तो हम क्या कहते हैं? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जैसे जैसे टेम्परेचर पे चेंज होगा, हीट चेंज होगी और वाइस वर्सा। फिर जब आप लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है सी, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ हीट कैपेसिटी। सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते थे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही करते थे। यहां पे आपको एक बात याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो इस बात को याद कर लो कि कोई भी हीट चेंज अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसको डेल्टा एच कहा जाता है, और कोई भी हीट चेंज जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू कहा जाता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। हर बार आपको टीचर इस तरह से क्वेश्चन में नहीं देगा कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी या कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। वो इस तरह से भी दे सकता है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब समझ जाना वो डेल्टा एच है, यानी कि एंथैल्पी चेंज। और हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। तो चूंकि हमें सीपी दिया है तो इससे हमने ये दिमाग में लगा लिया कि ये हीट कैपेसिटी दी है हमको एट कांस्टेंट प्रेशर की, यानी कि यहां पर हम जो क्यू निकालेंगे एनसीपी डेल्टा टी वो किसके बराबर होगा? वो डेल्टा एच के बराबर होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स वन है, सीपी की वैल्यू किस स्टेट के लिए देखना है? लिक्विड स्टेट। देखो, लिक्विड से लिक्विड, लिक्विड स्टेट के लिए दी हुई है 75.3। डेल्टा टी कितना है? 0 से -10। डिग्री सेल्सियस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस का 75.3 × 10, ये आ जाएगा आपका डेल्टा एच वन। याद रखिएगा, इसको हमने जूल में निकाला है। अगर हमने इसको जूल में निकाला है तो बाकी सब भी जो निकालेंगे हम जूल में निकालेंगे। अगर इसको किलो जूल में कर रहे हो तो बाकी सबको भी किलो जूल में करना।
सिमिलरली आप डेल्टा एच टू निकालिए, अगर हम डेल्टा एच टू में बेटा फिर से यही एग्जाम यही फॉर्मूला यूज कर दें एन सी पी डेल्टा टी, तो ये शून्य हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जीरो से जीरो में ही जा रहा है, तो हम ये यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। लिक्विड से सॉलिड जाने का क्या मतलब है, हम फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीजिंग का उल्टा क्या होगा सोच के देखो, फ्रीज मतलब आप कर रहे हो लिक्विड से सॉलिड, उल्टा हो गया सॉलिड से लिक्विड, और सॉलिड से लिक्विड के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड को अगर आप हीट दे रहे हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि मेल्ट हो रहा है, उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन आपको दी है 6.03 किलो जूल पर मोल, आपको क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, लिक्विड से सॉलिड चाहिए, है ना, फ्रीजिंग के लिए चाहिए। फ्रीजिंग और फ्यूजन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर अपोजिट हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी भी हम लोगों को रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना होता है तो हम बस डेल्टा एच को माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर ऑलरेडी माइनस है तो उसका पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि साइन चेंज कर देते हैं। अगर मान लो एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, ये रिएक्शन है, ठीक है, समझ रहे हो, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, ये एक रिएक्शन है, और उसका डेल्टा एच माइनस 50 दिया है, तो इसकी रिएक्शन को अगर हम उल्टी कर देंगे, 2NH3 gives N2 plus 3H2, तो इसका जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो प्लस 50 हो जाएगा। जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एंडो से एक्सो हो जाता है या वाइसी वर्सा। उसी तरह अगर आप फ्यूजन और फ्रीजिंग, चूंकि एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट है, और फ्यूजन आपको दिया और आपको फ्रीजिंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके डेल्टा एच को जो साइन है उसको अपोजिट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में दिया है तो हम माइनस कर देंगे बस। तो डेल्टा एच टू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दी हुई है माइनस 6.03 क्योंकि किलो जूल में है, तो इनटू 1000 कर दिया, तो ये डेल्टा एच टू आ गया। अब हम लोग डेल्टा एच थ्री की बात कर लें, यहां पे फिर से एनसीपी डेल्टा टी लगेगा, एन वन है, सीपी सॉलिड से सॉलिड जा रहा है, और सॉलिड के लिए सीपी कितना दिया, 36.8, डेल्टा टी फाइनल ये है, इनिशियल ये है, -10 -0 यानी कि -36.8 × 10। अब आप क्या करिए, इसे 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 ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हैव अ स्क्रीनशॉट, हैव अ नोट ऑफ इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the enthalpy change for the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 is -92.2 kilojoule. Calculate the enthalpy of formation of ammonia. अब आपके पास एक नई चीज आ रही है, enthalpy of formation. क्या होती है enthalpy of formation? तो मैं यहां पे इसको define कर रहा हूं, it is defined as change in enthalpy accompanying the formation of one mole of a substance from its constituent elements. तो enthalpy of formation में आपको ये दो बातें जरूर याद रखनी पड़ती हैं कि हम लोग वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस के लिए ये enthalpy निकालते हैं जो कि उसके constituent elements से आती है, यानी कि naturally occurring elements से आती है। So it is basically the enthalpy change which is accompanying the formation of one mole of a substance from its constituting elements. अब जैसे इसका example देता हूं मैं, आपको कहीं पे CH3OH बनाना है, ठीक है, तो CH3OH किस किस से मिला है, कार्बन से और
H2 हाइड्रोजन का नेचुरली अक्रिंग फॉर्म क्या है? H2 इन गैशियस फॉर्म, कार्बन C इन सॉलिड फॉर्म, और क्या है यहां पर? ऑक्सीजन O2 इन गैशियस फॉर्म। तो आप जब भी बैलेंस करोगे आप प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। इंथैल्पी फॉर्मेशन कहता है कि जो प्रोडक्ट में बनेगा उसका 1 मोल ही होना चाहिए। आप रिएक्टेंट्स के कितने भी मोल्स ले लो, कुछ भी बैलेंसिंग करो, कैसे भी करो, रिएक्टेंट के साथ ही करो, प्रोडक्ट को मत छेड़ो, प्रोडक्ट को 1 मोल ही रहने दो। और अगर प्रोडक्ट 1 मोल नहीं है तो उसको बना दो 1 मोल। तो जैसे आप CH3OH कहां से बना? अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब नेचुरली अक्रिंग। कार्बन की ओरिजिनल स्टेट क्या होती है? सिंगल सी, C2 तो नहीं होती, C3 तो नहीं होती, तो सिंगल सी, और वो भी कौन से? सॉलिड स्टेट में। हाइड्रोजन H एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, नेचुरली अक्रिंग क्या है? H2, वो भी गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन O तो नहीं होता ना, सिंपल क्या होता है? O2, वो भी कौन से स्टेट में? गैस स्टेट में। इसके बाद यहां वाली चीजों को बैलेंस करो, उसको ना करो। जैसे वहां पे 4 हाइड्रोजन है तो ये लो 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है तो इसको हाफ कर दो। तो ये जो इक्वेशन आई और इससे रिलेटेड जो इंथैल्पी रिलीज होगी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, ठीक। और जनरली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपकी एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि आप कोई चीज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में द एनर्जी विल बी रिलीजिंग। तो यहां पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में मैंने इसलिए चर्चा करी ताकि आपको क्वेश्चन करवाने से पहले पता होना चाहिए कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में कि कोई इंथैल्पी चेंज दी हुई है हमें इस रिएक्शन की, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है किसकी? एमोनिया की। तो गौर से बच्चों एक बार इस रिएक्शन को देखो, देखो पहले, देखो तो देखा, कुछ अटपटा लग रहा है? क्या अटपटा लग रहा है? अटपटा ये लग रहा होगा कि NH3 को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, N2 किसके स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में, ठीक है गैसियस स्टेट में। और क्या चाहिए? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी है H2 फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए हमने प्रोडक्ट में ट्वाइस NH3 लिखा है, और जबकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस शुड बी फॉर्म्ड। तो हम इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ N2, 3/2H2, 2/2 मतलब 1। तो जो काम हम इस रिएक्शन के साथ करेंगे वही काम हम इसकी रिएक्शन इंथैल्पी के साथ भी करेंगे। तो चेंज इन इंथैल्पी, और यहां पे बीच में सब्सक्रिप्ट में F लगा देंगे तो वो फॉर्मेशन कहलाएगा। तो चेंज इन फॉर्मेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आया? -92.2/2, यानी कि -46.6 करके, समझ रहा है? ठीक है, -46.1। तो ये आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया। 2 से डिवाइड क्यों किया समझ में आ गया ना? क्योंकि प्रोडक्ट में 2NH3 नहीं चाहिए, 1 mole NH3 चाहिए। तो चूंकि पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया है इसलिए इसके डेल्टा एच को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो काम हम रिएक्शन के साथ करते हैं बच्चों वही काम हम उसकी इंथैल्पी चेंज के साथ भी करते हैं। तो ये देखिए, गिवन दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NH3 एंड H2 आर -46 and -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कहीं पे अगर ये लिखा हो और कहीं पे अगर ये ऐसा लिखा, ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट एनी मोलर कंसंट्रेशन, एट एनी प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर। लेकिन ये है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी ऊपर गोला आ जाएगा, नॉट टाइप का आ जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब उस पर टेम्परेचर क्या रखा गया है? 298 केल्विन, 1 bar, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिएगा आप, क्या? एक तो सिंपल वाला और एक स्टैंडर्ड वाला। तो चूंकि यहां पे 298 केल्विन दिया हुआ है तो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है NH3 और H2O की।
इस पे रिलेटेड एक चीज और याद रखना कि जो इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एलिमेंट्री स्टेट्स में, किसकी, एलिमेंट्स की, जीरो होती है। जैसे अगर हम O2 की बात करें, N2 की बात करें, I2 की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एलिमेंट्स जो अपने एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं, जैसे O के साथ O जुड़ा है, N के साथ N जुड़ा है, I के साथ I जुड़ा है, N2, O2, I2, इन सब की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बनी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बनी? जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कुछ और थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कुछ और थी, जब वो बने कुछ एनर्जी और थी, तो इस पूरी रिएक्शन का जो हम लोग चेंज लेते हैं वो हमारी निकल कर आती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के आगे हमेशा डेल्टा जरूर लगाते हैं, हम चेंज देखते हैं, चेंज। अब अगर आप O2 की सोच रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि O2 किससे मिलकर बना, O और O से, तो O और O को तोड़ने में जितनी शक्ति लगेगी O2 को बनने में भी उतनी शक्ति लगेगी, तो चेंज क्या हुआ, चेंज तो शून्य हुआ ना। इसलिए O2, I2, N2, इन सब की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो सबकी जीरो होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है रिएक्शन का, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये क्या लिखा है, चेंज किसका, एच आर मतलब रिएक्शन, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है हमारे पास बच्चों, टू टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एन टू प्लस सिक्स टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ माइनस फोर टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 प्लस थ्री टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। इस तरह से बेटा प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी होता है एग्जाम्स में, क्योंकि फाइनल्स के पेपर अपने को कई स्कूल्स में दिखाए नहीं जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन का जितना खास ध्यान रखेंगे टीचर को, एग्जामिनर को, उतना कम मौका मिलेगा आपके मार्क्स काटने का। अदरवाइज प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं और प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। तो टू टाइम्स क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, और N2 का क्या होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में, तो इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी होगी, जीरो होगी, जीरो प्लस सिक्स टाइम्स H2O की, देखो क्वेश्चन में दी है, माइनस 286 फोर टाइम्स NH3 की माइनस 46 प्लस थ्री टाइम्स जीरो। तो बस आपको क्या करना है, माइनस का 6 इंटू 286 और यहां पे प्लस का 4 इंटू 46, इसे कैलकुलेट कर देना, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन क्या कहते हैं भाई जान, ये कहते हैं द इंथैल्पी चेंज और हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। अब बेटा हेस लॉ पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा, 100% द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द थर्मोकेमिस्ट्री इन द एनर्जेटिक्स इज नथिंग बट द हेस लॉ, बिकॉज इट इंक्लूड्स और इट कैन समर्ज ऑल द इंथैल्पी और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। तो एग्जामिनर और एक टीचर यही जानना चाहता है कि एक क्वेश्चन में क्या सारा कुछ या दो चार टॉपिक्स कवर अप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो हेस लॉ पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है वो क्या करता है, तीन चार इंथैल्पीज को कवर करता हुआ चलता है, एक ही क्वेश्चन में आपसे वो एनर्जेटिक्स का निचोड़ निकालने की कोशिश करता है।
तो हेस लॉ विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द हॉट टॉपिक इफ यू आर स्टडिंग द एनर्जेटिक्स और द थर्मोकेमिस्ट्री. तो प्लीज इसको आप अंत तक देखिएगा और यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं उसे अच्छे से करिएगा. क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे. तो हेस लॉ में वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपका पाथ, आपके पॉइंट्स हैं कुछ ए बी और ये सी, ठीक है. मैं मुझे ए में खड़ा हूं, ये इनिशियल स्टेट है और ये मुझे सी फाइनल स्टेट है. यहां से जाने के लिए मुझे अगर जो एंथैल्पी चेंज लगती है वो लगती है डेल्टा एच. और ये मेरा अगर मान लो पहला पाथ है तो मैं तो या तो ऐसे जा सकता हूं, ये डायरेक्ट पाथ हो गया, वरना मैं घूम फिर के भी जा सकता हूं. घूम फिर के समझते हो ना कि अपने घर से कोचिंग जानी है तो सीधा ब्र 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद क्यों आते हैं अपन? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पार्ट टू लेते हैं. यहाँ से होते हुए चलो आप वैभव के घर चलें, फिर वैभव से चलो आप भाई आशुतोष के घर चले, आशुतोष से चलो फिर भैया जयेश के घर चले, है ना. हाँ, तो यहाँ से यहाँ गए पहले, फिर यहाँ से यहाँ गए हम. यहाँ से यहाँ जाने में मान लो डेल्टा एच वन लगा, यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा एच टू लगा. तो ये जो आप ए से पहले आप बी गए, फिर बी से आप सी गए, ये आपका दूसरा पाथ है जो आप लोग फॉलो करते हो अक्सर. तो बेटा एंथैल्पी चेंज जो होता है ये स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन बोले तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. हेस लॉ भी यही कहता है कि भैया ए में और सी में, मतलब जो डिजायर्ड जो आपके इनिशियल रिएक्टेंट्स और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या एनर्जी का चेंज है हमको सीधा सीधा ये बताओ. हमें तुम ये मत बताओ कि तुमने क्या पाथ फॉलो किया, तुम डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो तुम्हारी मर्जी, हमें तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है. यानी कि आप ए से सी जाएं तब भी आपको उतनी एनर्जी लगेगी, चाहे आप घूम फिर के जाएं तब भी आपको उतनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि हेस लॉ के हिसाब से डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू. अब अगर आप दो चार बीच में और इंटरमीडिएट्स लाते, पाथ लाते, तो वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर होता ही रहता. क्लियर? अब इस पर बेस क्वेश्चन देखो, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जरूर आ सकता है, 300 तो कम ना आएगा भाई. ये कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. ये देखिए, यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. 3 इक्वेशंस दी हैं. तो हेस लॉ के जब भी क्वेश्चंस होते हैं आपको एक डिजायर्ड इक्वेशन प्राप्त करनी होती है फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस. कभी कभार ये इक्वेशंस वर्डिंग्स में होती हैं, आपको खुद बनानी पड़ती हैं, और कभी कभार ये लिखी हुई आती है जैसे मैंने लिख कर दी है. चूंकि आपका पहला क्वेश्चन है तो मैंने लेवल थोड़ा आसान रखा है. तीनों इक्वेशंस दे दी हैं, सिर्फ आपको इसकी लिखनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. तो इथेन क्या होता है? गैस होती है C2H6. किससे किससे बनी ये? इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ना बच्चों आपको. तो ये किससे किससे बनी? ये कार्बन से बनी और हाइड्रोजन से बनी. दोनों के कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स ले लिए. C कितने यहां पे? 2 है तो ये 2C. हाइड्रोजन 6 है तो ये 3H2. अब आपको इन 3 इक्वेशंस से ऐसा जुगाड़ फिट करना है कि आपको ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाए. तो देखो सी कहां लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ सी है, लेकिन आपको क्या चाहिए? 2C चाहिए. तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से. फिर क्या है? प्लस H2 है. H2 कहां है? दूसरी रिएक्शन में. लेकिन ये क्या है? 3H2. यहां क्या है? 1H2. तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से. भाई जो यहां के मोल्स हैं या जो यहां के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप ध्यान में रखते हुए इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब C2H6 प्रोडक्ट साइट है लेकिन दिया कहां है? रिएक्टेंट साइट. तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस थर्ड रिएक्शन. तो चलिए हम लोग ऐसा एग्जामिनर को करके दिखाएंगे कि क्या ऐसा करने से हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही.
तो रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स सब एक तरफ लिखेंगे, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स सब एक तरफ लिखेंगे। पहली रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2C प्लस 2O2 गिव्स, प्रोडक्ट सब एक तरफ गिव्स 2CO2। फिर थर्ड सेकेंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्लस 3H2 प्लस 3/2O2 और यहां पे प्लस 3H2। इसके बाद माइनस थर्ड, यानी कि माइनस C2H6 माइनस 7/2O2, उस साइड क्या आएगा, माइनस 2CO2 माइनस 3H2O। सबके रिएक्टेंट्स एक तरफ, सबके प्रोडक्ट्स एक तरफ, जो कट रहा है उन्हें काट दो, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यहां पे 7/2O2 माइनस का 2O2 और 3, तो 2 प्लस 3/2 कितना होगा 7/2O2, तो ये भी कट गया। C2H6 माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का C2H6। तो यानी कि हमने जो ये काम किया ये हमारा सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि ये हमको ऊपर वाली डिजायर्ड रिएक्शन दे रहा है। बस समझ आ रही है पक्का? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताई ये बात कि जो काम हम लोग रिएक्शन के साथ करते हैं, रिस्पेक्टिव रिएक्शन के साथ करते हैं, वही काम हम उसके डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड के साथ भी करते हैं। यानी कि अगर हमने फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से ट्वाइस ऑफ माइनस 393.5 प्लस थ्राइस ऑफ माइनस 285.8 माइनस थर्ड इक्वेशन का माइनस का 1560। ये आपका बेटा जो आएगा दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी किसकी, जो क्वेश्चन में निकालने को दी थी, इथेन की। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, हेस लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस को एल्जेब्रिक मेथड से जैसे आप सॉल्व करते हैं कि आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस करिए माइनस करिए कुछ भी करिए, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि जो आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है वो आ जाए। अगर वो आ जाती है तो जो काम आप उस रिएक्शन के साथ करते हैं वही काम आप उसकी इंथैल्पीज के मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये रहा हेस लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन गिवन दैट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन इज दिस एंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले बच्चों आपको वो रिएक्शन लिखनी है जो हमें चाहिए। क्या चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, C6H6, ध्यान से समझना, C6H6 लिक्विड स्टेट। किससे मिला होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया ना, तो फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब कार्बन सॉलिड स्टेट में, H2 गैसियस स्टेट में। बैलेंसिंग करेंगे और ये याद रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही रहे। तो यहाँ पे 6 है तो ये 6 ही हो गया, यहाँ पे H6 है ये 2 है तो ये 3 हो गया। अब हमें इसकी इंथैल्पी चाहिए, ये हमारी रिक्वायर्ड है। गिवन क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन जब O2 के साथ रिएक्ट होता है उसको हम कहते हैं कंबशन। तो कंबशन बोलें या रिएक्शन विद O2 बोलें, जब भी ये मतलब हाइड्रोकार्बन जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा दो ही चीज फॉर्म करेगा, CO2 एंड H2O। और CO2 का जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैस होगा और जो H2O का फिजिकल स्टेट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेंजीन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको एक डिफरेंस याद रखना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहता है कि टू फॉर्म दी 1 मोल ऑफ दी प्रोडक्ट, और
यहां पर उल्टा होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, यहां पे जो रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है वो हमेशा वन मोल होता है, बाकी प्रोडक्ट और ऑक्सीजन कितने भी मोल के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही होती है वो हमेशा वन मोल होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये सामने बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन कह रहा है ना, तो बेंजीन लिखो पहले C6H6, इसकी रिएक्शन O2 से करेंगे क्योंकि कंबशन है, हमेशा मिलेगा क्या CO2 और H2O। तो बच्चों इसको बैलेंस करो, बैलेंस करते हुए हमेशा ध्यान क्या रखना है, जो चीज ऑक्सीजन के साथ है यानी कि ये जिसका कंबशन हो रहा है ये हमेशा वन मोल रहेगा, बाकी ये कितने भी मोल्स हो फर्क नहीं पड़ता। दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दैट मीन्स विच एकम्पनीज द एंथैल्पी चेंज ऑफ वन मोल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ एयर। क्योंकि अगर ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा। इसलिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन में दो बातें याद रखनी है, क्या जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा हो या जिसका कंबशन हो रहा हो वो हमेशा वन मोल हो, और जो ऑक्सीजन हो वो एक्सेस में हो, ठीक है। अब ये सिक्स है तो ये सिक्स, या हाइड्रोजन सिक्स है तो ये लो भैया यहां थ्री किया सिक्स। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, और यहां पे कितने 15/2 कर दो, 15 ओ मिल जाएगा। अब इसका जो हमें दिया है वो माइनस 3266 दिया है, तो ये हमारी रिएक्शन वन हो गई। दूसरी बनाते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर दिस एंड दिस। तो CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, C कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, C प्लस O2 गिव्स CO2, सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट H2O की, तो H2 प्लस O2, यहां पे O एक है यहां पे दो है तो हाफ O2 कर दिया, और यहां पे इनकी डेल्टा H की वैल्यूज लिख देनी है आपने, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, याद रखना इस बात को, क्या है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, क्योंकि जीवन में बहुत कांड करने हैं अपने को। तो आपने ये तीन रिएक्शंस लिख ली जो कि गिवन है, और ये रहे आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो 1, 2, 3 ये तीन रिएक्शंस का ऐसा आप गुणागार करो या भागाकार करो, इस तरह से करो कि आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाए। तो 6C है, सी कहाँ है सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन उठाई और उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें 6C चाहिए था, 6C, ठीक है, प्लस H2 कहाँ है, H2 थर्ड रिएक्शन में, तो थर्ड रिएक्शन को उठाओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बोला। और उस साइड क्या है C6H6, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको, फर्स्ट रिएक्शन को। तो पहले ऐसा करके देखो कि ऐसा करने से क्या वाकई वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो चलिए भैया सेकंड 6C + 6O2, और प्रोडक्ट्स यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं एक तरफ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपको देगा 6CO2 प्लस में 3H2 प्लस 3/2O2, और वहां पे क्या मिलेगा प्लस 3H2O माइनस 1 यानी कि माइनस 6C6H6 माइनस 15/2O2, और यहां पे मिलेगा माइनस 6CO2 माइनस 3H2O। तो लो भैया बात सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि स्प्राइट है, 6 से कटा, 3H2 से कटा, 15/2 3/2 6, 6 + 3/2 मतलब 15/2 करके देख लेना, ये कट गया। तो देखो 6C + 3H2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा C6H6, यानी कि जो कांड मैंने ये किया और जो आप लोग भी आगे चल के करोगे वो एकदम
सही है। सही है मतलब कैसे, आप इस जो काम इसके साथ किए हो वही काम उसके मैग्नीट्यूड के साथ भी करो, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है -393.1 उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थर्ड रिएक्शन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो और जो फर्स्ट वाला है उसको आप माइनस करेंगे। ये लीजिए हो गया क्या क्वेश्चन, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो बात एकदम बरोबर है कि नहीं है? हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन निकालनी है वो दी है, और वो जो चारों रिएक्शंस जो गिवन दैट वाली होती है वो आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और मार्क्स वेटेज भी बढ़ जाता है, 3 से 5 मार्क्स के बीच में ये आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यू हैव टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज एंड द बॉन्ड इंथैल्पी फॉर द CCl इन CCl4, और आपको कुछ क्वांटिटीज गिवेन है, इसका इंथैल्पी आपको डिटरमाइन करना है। चलिए पहले की लिखें, तो ये क्या लिखा है, CCl4 का वेपराइजेशन, यानी कि CCl4 पहले लिक्विड में रहा होगा, आपने उसको हीट दी, वो वेपराइज हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करें, CCl4 का फॉर्मेशन, तो CCl4 लिक्विड स्टेट में इसको फॉर्म करो, किससे किससे बनेगा, कार्बन सॉलिड स्टेट प्लस Cl2 लिक्विड स्टेट, बैलेंस करेंगे तो ये 2Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बेटा ए जो होता है एटमाइजेशन के लिए होता है, और एटमाइजेशन का मतलब आप जैसे किसी मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हो तो उसका बॉन्ड टूटेगा और वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे O2 है, Cl2 है, तो अब Cl2 है, O2 है, I2 है, F2 है, ये सब लोग क्या है, मॉलिक्यूल है। आप जब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो आप एनर्जी दे रहे हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद आपको क्या बन रहा है, एटम बन रहा है। अगर Cl2 टूटेगा तो किस पे टूटेगा, 2 times Cl में, तो क्या Cl क्या, Cl के 2 एटम मिलेंगे आपको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर मान लो आप कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में, आप उसको हीट दे रहे हो, आप हीट दिए पड़े हो, अब ये तो ऑलरेडी एटम में है, इसका क्या होगा, इसका ये होगा, इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, और अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा तब भी हम इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, क्योंकि वो जो एटम मिलेगा वो हमें गैसियस फेस में मिलेगा। तो यू कैन ऑल्सो से इट एज अ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और यू कैन से इट एज अ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? चलिए अब जैसे कार्बन का यहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया है, तो कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में होगा उसको जब आप हीट दोगे तो वो कार्बन गैसियस फेस में बदल जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और यू कैन से दैट इज ऑल्सो अ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलिए आइए अब हम लोग तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, किसकी है, देखिए कार्बन की एटमाइजेशन। तो आप लोग सोचोगे सर कार्बन तो ऑलरेडी एटम में है, इसको क्या तोड़ना है, इसके बीच के कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, तो इसके बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करना है। तो जो कि सॉलिड में था कार्बन वो चेंज हो जाएगा गैसियस में, तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्यों नहीं लिखा, अरे लिखा हो सकता था, सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, एटमाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक। हाँ फोर्थ है Cl2, आपने हीट दी Cl में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इन चार इक्वेशंस का ऐसा खेल करो बच्चों कि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए। तो CCl4 गैस किधर है, यानी कि पहली इक्वेशन को माइनस करना है क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट में है और हमको चाहिए प्रोडक्ट में, और उधर क्या है, सीजी कहां है, इस साइड है, इस साइड ही चाहिए, यानी कि प्लस थर्ड इक्वेशन, फोर टाइम सीएलजी, तो सीएल यहां पर है
गैसियस स्टेट में है पर ये ट्वाइस है, तो क्या करो टू टाइम्स फोर्थ इक्वेशन। तो आपने पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, तीसरी का इस्तेमाल कर लिया, चौथी का इस्तेमाल कर लिया, या दूसरे का इस्तेमाल नहीं किया। तो दूसरे को इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जितना किया उसका आप काम कर लो कि माइनस सी सी एल फोर लिक्विड, रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट दूसरी तरफ, प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट में, प्लस ट्वाइस ऑफ सी एल टू, इधर आ जाएगा माइनस सी सी एल फोर जी प्लस कार्बन गैसेस स्टेट में प्लस फोर टाइम्स सी एल जी। अब आपको जो चाहिए वो चाहिए सी सी एल फोर जी इस तरफ, तो हम क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गैसियस फेस वाला, ये हो जाएगा आपका लिक्विड फेस वाला, इधर उधर कर दिया। तो देखो हमको ये डिजायर्ड सी सी एल फोर गैस हमें मिल चुका है, और इस तरफ हमें कार्बन गैसियस में चाहिए, ये भी मिल चुका है, फोर टाइम सी एल ये भी मिल चुका है। अब जो हमें नहीं चाहिए उसे एलिमिनेट करो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी बेटा हमारे पास इक्वेशन टू बाकी थी ना, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, अब इसका इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करोगे, तुम नहीं चाहते कि ये चीज यहां पर हो, तो हम क्या करेंगे रिएक्शन टू को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर देखो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये टू सी एल टू आएगा माइनस का, और इधर प्रोडक्ट में माइनस सी सी एल फोर लिक्विड आएगा। तो अब समझ में आया कि क्या यूज था सेकंड इक्वेशन का। चलिए अब आप जानते हैं जो काम हम इनके साथ करते हैं वही काम हम उनके मैग्नीट्यूड के साथ करते हैं, तो माइनस का वन यानी कि माइनस का 30.5, प्लस का 3 यानी कि प्लस का 715, प्लस का 2 टाइम्स फोर्थ इक्वेशन का यानी कि 242, माइनस सेकेंड इक्वेशन माइनस 135.5। ये आप काम करेंगे, कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। जो ये आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 1304.5, मैं चेक कर लू, हाँ 1304.5 किलो जूल पर मोल। अब आपको एक और चीज निकालनी है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सीसीएल बॉन्ड। तो सीसीएल फोर में कितने सीसीएल बॉन्ड है, 4 है, उन चारों की ये है, तो एक की कितनी हुई बॉन्ड इंथैल्पी, बट ऑब्वियस की बात है 1304.5 डिवाइडेड बाय 4, तो वो जो आएगा वो क्या होगा बॉन्ड इंथैल्पी। ये जो निकाला आपने क्या निकाला 1304.5 इंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस के लिए। तो ये रहे बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन हेस्लॉ पर बेस्ड। आई होप कि आपको हेस्लॉ समझ में आ गया होगा।